भारत माता की जय, वंदे मातरम। देश में बहुत सारी परेशानियां वैसे ही चल रही हैं, तो क्यों ना हम हटकर अपने विचारों को, धार्मिक विचारों को खुद तक रखें, अपने घर तक सीमित रखें। किसी भी धर्म की हम बिल्कुल आलोचना ना करें, अपना धर्म माने, परंतु दूसरे धर्म की आलोचना का हक ईश्वर ने किसी को नहीं दिया है। तो ये सब तहलका मचा हुआ है, तो इसके लिए मैं यही कहूँगी कि हम सब एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, साक्षर हैं, शिक्षित हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि एक वक्त की रोटी खाओ पर अपने बच्चों को पढ़ाओ, तो हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हमारा संविधान, भारतीय संविधान बहुत ऊंचा है दोस्तों, विश्व में बहुत ऊंचा है, लेकिन हम कहाँ चूक कर जाते हैं कि इतने तमाशे होने लगते हैं। निश्चित रूप से यही हाथ जोड़कर सभी लोगों से कहूँगी, अब भाई जो हो गया सो हो गया, उसका सजा क्या देनी है कि माफ़ी करनी है, तो तय हमारा भारतीय संविधान करेगा। परंतु प्लीज़ प्लीज़ किसी भी धर्म के धर्मगुरु की, धार्मिक किताबों की, धार्मिक ग्रंथों की प्लीज़ बुराइयाँ मत कीजिए। आप हिंदू हो तो मुस्लिम धर्म की बुराइयाँ मत कीजिए, आप मुस्लिम हो तो हिंदू धर्मों की बुराइयाँ मत कीजिए, सिख हो तो जैनिज़्म की बुराइयाँ मत कीजिए। किसी भी धर्म के मामले में बोलने का हक किसी को भी नहीं है। अपने अपने धर्म को सर्वोपरि मानिए। जितना सम्मान अपने धर्म का करते हो, यदि उतना सम्मान आप दूसरे धर्म का ना भी कर पाओ, तो भी उसकी बुराई करने का, उसके खिलाफ में बोलने का आपको कोई राइट नहीं है। मेरी बात पर गौर कीजिए, आगे आने वाले बहुत लंबा संसार है, हम लोग तो रहेंगे नहीं, कितने सारे इस जहान में लोग आएंगे और जाएंगे, आना जाना जीवन का एक शाश्वत नियम है। परंतु भूलकर भी किसी के धार्मिक भावनाओं को आहत करने का हक किसी का भी नहीं है, इस चीज़ का पूरा ख्याल रखना चाहिए। नमस्ते।